press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru Comedy Wallahs. इतने प्यार से बुलाया आपने जीजी, आपने याद किया मुझे? जी जी जी, काहे बुलाया हमें? तीनों अकेले आए हो? नहीं नहीं, हम तीनों साथ में आए हैं। मेरे किराया नहीं लाए? किराया? हाँ, किराया देना भी बहुत जरूरी है। मैं बस कल परसों तक दे देता हूँ। कब? जब तेरी भैंस चौथा बच्चा दे देगी तब? और तू बांदर, किराया? जी जी, वो क्या है ना, मुझे एक लीड रोल मिला है टीवी शो में, तो बस अब एक दो दिन में मेरी शूटिंग चालू हो जाएगी, तो फिर अगले हफ्ते किराया हो जाएगा, है ना? अच्छा, तुझे किसने दे दिया लीड रोल? तेरी शक्ल देखकर कोई तेरे को गाली ना दे। लीड रोल? बावड़ी मूछ। ओ, तेरा किराया? जी जी, हम तो हम। अच्छा, कितने लोग हैं तेरे साथ? हम करता रहता है 24 घंटे। बुला सर अपने हम सफर, हम नवा, हम दर्द को। पूछूं उनसे देंगे तेरा किराया कि नहीं? वही घिसा पिटा डायलॉग हर बार। शर्म नहीं आती तुम तीनों को? झूठ में भी नहीं बोलते कि नहीं जीजी, हम ना आपके लिए चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लेकिन किराया पक्का देंगे। निठल्ले निकम्मे नकारा, बेशर्म कहीं के, कब दे रहे हो किराया? जानी, हम लूटेंगे, पर वो बैंक हमारा होगा, इलाका भी हमारा होगा। बंद कर अपनी बकवास, गधा कहीं का। और तुम तीनों ना मेरी एक बात जरा कान खोल के सुन लो, अब इस घर में कोई भी ऐसे निकम्मों की तरह नहीं पड़ा रहेगा, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। अब ना मैं इस घर में कॉल सेंटर खोल रही हूँ, और तुम तीनों को ना दिन की 10-10 सेल्स करनी होगी कॉलिंग कर करके। लेकिन हम तो सेल कर ही नहीं पाते जी, हम तो सेल कर करके पक चुके हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, बोरिया बिस्तरा लेकर। नहीं नहीं, बोरिया बिस्तरा मेरा, वो भी छोड़ दे, दफा हो जाओ, नहीं होता तुझसे कोई काम तो। मजाक कर रहा था। हाँ जी, हम तो मजाक कर रहे थे, सेल करना हमको बहुत भाता है। बताइए क्या बेचना है? पंखे। पंखे? पंखे? पंखे हैं जी, आजकल के जमाने में जब लोग एसी लगाते हैं, पंखे कहाँ यूज होते हैं यार। दफा हो यहाँ से, नहीं बेचने दो। पंखे बेचने मतलब पंखे बेचने हैं। अच्छा जी, ये पंखा बेचना कितने का है? एक पंखा 1000 रुपए का, और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तुम तीनों कॉल सेंटर में बैठ के कॉल करोगे, पंखे बेचोगे। हफ्ते के अंत तक तुम तीनों 10-10 पंखे बेचोगे, समझ गए नलायको? हेलो जी, हम वही बोल रहे हैं। भाई साहब, आपने वो गाना सुना है श्रीदेवी जी का, हवा भाई? हाँ भाई साहब, उस गाने में मारे पंखे की बात हुई थी। सर कूलर? सर कूलर तो हर थोड़े दिन में खड़ 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 करते ही रहेंगे। सर वो क्या है ना, ये जो आजकल की कंपनियां हैं वो मोटर बहुत गंदा यूज करती है, इसलिए सर पंखे हैं मेरे पास, पंखे तो खड़ 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 नहीं, अरे फर 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 पकड़ के आपको हवा देंगे। पंख माता जी, पंख? वो गाना नहीं सुनी आप, पंख होते तो उड़ाती रहे? हाँ, एसी से कोई उड़ता है का? पंखे के ही पंख होते हैं, इसलिए जितनी मर्जी गर्मी पड़े पंखा लीजिए। हाँ रात, तुझे गणी समझो नहीं पंखों की, ना हमें समझाओगा तू? अरे हमने अपने गांव में एक एक भैंस को एक एक पंखा दे रखा है, ना तू बताओगा मैं पंखों के बारे में? अरे फोन में से घुस के पूंजर पाड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अरे सर, आपको एक बार में समझ में नहीं आता क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अनपढ़ हो क्या आप? सुनो ना, क्या आप जिंदगी भर कूलर यूज करेंगे? अरे सर ऐसा नहीं होता है। अरे क्या नहीं होता, मैं एसी लगाऊंगा। क्या एसी लगाएंगे? हाँ। और बिल भी भरेंगे? हाँ। क्यों भाई? हाँ, बिजली की कंपनी की आपकी रिश्तेदार लगती है? रिश्तेदार तो नहीं लगते। तो फिर
अरे सर आप मेरा एक पंखा तो खरीद नहीं सकते, चले दुनियादारी की फालतू की चीजों पर पैसा। अरे कैसे हेलो हेलो, उम्र देखे हो अपनी माता जी, कब्र में पांव लटके हैं और अभी भी मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। अरे बेटा क्या कह रहे हो, ये वैसी वैसी कूलर वूलर सब फैंसी आइटम है। हाँ पंखा आप स्वर्ग में साथ लेके जा सकती हैं। हेलो हेलो माता जी, हेलो। हमको लगता है माता जी हमारी बात को सीरियसली ले गई। हाँ भाई कितने पंखे बिके जी? यो हमारे बस की बात ना है, हमसे ना हो पा रहा। जी एक भी पंखा नहीं बिका। जी सुनो ना, कोई दूसरा काम दे दो ना। ओ मैंने शिकायत केंद्र नहीं खोल रखा, मैंने कॉल सेंटर खोल रखा है। और हाँ शाम तक तीनों एक एक पंखा बेचो, बिक नहीं रहा बड़े आए, चलो काम करो। हेलो हेलो सर। जी सर मैं समीप बोल रहा हूँ। दीदी प्लीज सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए। दीदी आपके कितने बच्चे हैं? एक ही है। अच्छा बेटी है, वो बढ़िया कॉलेज में पढ़ती है। अरे अच्छा दीदी आप ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ तो अभी हमारे पास सोल्यूशन भी है दीदी इसका। दीदी देखिए आपकी जो बेटी है वो कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी गर्मी लगती होगी इस चक्कर में। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, हमारे पास है पंखा। आप ऐसा कीजिए वो पंखा ले लीजिए। पंखा तो है हमारे पास। पंखा है तो ऐसा कीजिए डबल पंखा ले लीजिए। अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में डबल नंबर आएंगे और अब मजे आ जाएंगे। कहते हैं ना एक से बढ़कर दो। अरे क्या बात है? डबल। हेलो आंटी। सर आपके सिर्फ दो मिनट चाहिए, सिर्फ दो मिनट। अच्छा बोलो। हाँ सर अगर आपको मेरी बात नहीं पसंद आई तो मैं खुद पंखे बेचना बंद कर दूंगा, ट्रस्ट मी सर। हाँ तो सर मैं क्या कह रहा था कि आपका भी दिल अंदर ही अंदर ये कहता है ना सर कि आपका भी कोई फैन हो, है कि नहीं सर? जैसे कि बगल वाला, मेरा मतलब है बगल वाली, साथ में रिश्तेदार, कुछ दोस्त दुश्मन, हाँ फलाना डिमका वगैरह। हाँ सर सर तो सर लेकिन अगर पंखा खुद है तो सर यानी जो फैन है अपना पंखा खुद वो तो ये चाहेगा ही ना सर, है ना? तो इसलिए हम हेलो हेलो जी सरदार जी, प्रणाम प्रणाम सत श्री अकाल। हम वही बोल रहे हैं, हम सुबह मॉर्निंग में फोन किए थे ना। मुझे पंखा कौन से मटेरियल का है जी? का पंखा कौन से मटेरियल का बना है ये तो हमको नहीं मालूम है। मुझे पंखे का साइज कितना है? का पंखे की लंबाई कितनी है ये तो हम नापे नहीं है। कैपेसिटर कितने वाट का है? क्या कैपेसिटर कितने वाट का है ये तो हमको बताया नहीं गया है। हम पंखा क्यों बेच रहे हैं? वो कहा है ना हमको अपनी जीजी का किराया भरना है। का बोल दिया हम नहीं हम तो पंखा 10 साल से बेच रहे हैं। पंखा बेचने में मास्टर हैं हम। हाँ हेलो हेलो पाजी, कितने पंखे बिके निकम्मो? या तुम तीनों को बेच दूं? तुम तीनों को कौन खरीदेगा बताओ? नहीं जी कोई पंखा नहीं बिका। हाँ जी कोई पंखा ले ही नहीं रहा और ऊपर से लोग गालियां और दे रहे हैं हमें। जी वो पंखा हमसे ना बिकरा दीजिए, और कोई काम दे दो प्लीज। काम तो मैंने दिया था तुम्हें 1 महीने पहले, वो भी तुमसे हुआ नहीं था। कौन सा काम जी? 1 महीने पहले मैंने कहा था घर के सारे पंखे साफ कर दो। जी करेंगे, पक्का करेंगे, अब से हर हफ्ते हम सारे पंखे साफ करेंगे, पक्का जी ये काम कर लेने दो बस, और कुछ नहीं। हाँ जी ये पंखों की हवा ने तो हमारी हवा टाइट कर दी है। हाँ जी वैसे जी आपके पास इतने पंखे आए कहाँ से? पंखे तो मेरे पास है नहीं। है नहीं? ओ निकम्मो ये ना अभी ट्रेलर था और ऐसे ही काम चोरियां करते रहे ना तो पूरी फिल्म दिखा दूंगी। जी उठो यहाँ से, दफा हो जाओ, जाके सारे घर के पंखे साफ करो। ओके जी और हाँ जाते जाते ना बिजली का स्विच बंद कर देना, पता नहीं कब से पंखे चल रहे हो और कितना बिल आ जाता पूरे महीने का। निकम्मे नालायक आवारा कहीं के। अरे मेरा शेर पुत्र कितना कमजोर हो गया, कुछ खाता पीता क्यों नहीं है? मन्ने नायक ताजी लस्सी का गिलास ला दो। लस्सी? हाँ खून पी मेरा। चुप।
ये तेरा हाथ कैसे लाल हो गया? चीजी, आपने तो मरोड़ा अभी। 100 रुपए की चोरी करते हैं? मैंने तेरे पैसे देने थे ना? मन लग गया जीजी के अंदर भूत पड़ गया है। कभी कुछ बोल ले है, कभी कुछ बोल ले है। ये भैंस को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।